हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 10th नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेंड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, मैंने आपसे बोला था कि कुछ जो सॉल्ट है जिनका जो है कैसे प्रिपरेशन उसको करना है, ये जो है आपको मैंने बताया था कि हर साल बोर्ड में 4 या 5 सॉल्ट हैं जिनको पूछा, जिनका जो है सिंपल कॉमन नेम पूछता है, उसका फार्मूला पूछता है, उसको किस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं और उसका यूज क्या है, ये हर साल जो है आपसे एक ना एक तो पूछता है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले मैंने आपको बताया था कॉमन सॉल्ट हो गया, दूसरा मैंने आपको बताया था ब्लीचिंग पाउडर हो गया, तीसरा मैंने आपको बताया था बेकिंग सोडा हो गया, और फिर मैंने आपको चौथा बताया था कि वाशिंग सोडा हो गया, और फिर पांचवा प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो ये 5 हैं जिनको आपको जो है अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये हर साल कोई ना कोई एक ना एक करके जो है अल्टरनेट करके हर साल पूछता रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेंड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, किस तरीके से आप कॉमन सॉल्ट की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड आर कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम जो है आपका है वो है कास्टिक सोडा। ठीक है, इसका जो है कॉमन नेम उसका है सिंपल कॉमन सॉल्ट। ठीक है, फार्मूला इसका है जैसे कि जो मैंने आपको बोला कि हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो ये जो है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा जिसको आप बोल रहे हो, इसका कॉमन नेम कॉमन सॉल्ट है, फार्मूला आप जानते हैं क्या, NaCl। ठीक है, अब देखिए प्रिपरेशन इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज कॉल्ड ब्राइन। इसी सोडियम क्लोराइड को ही हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे BRINE, ब्राइन। ठीक, सोडियम क्लोराइड को ही। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, या जो है जिसको बोल रहे हैं विच इज कॉल्ड ब्राइन, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरा एल्किली प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कभी कभार बोर्ड एग्जाम में क्लोरा एल्किली प्रोसेस के नाम से पूछ देता है आपको, तो याद रखना है कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरा एल्किली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस और ऑब्टेंड। आपसे ये बोला जा रहा है कि बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, जब जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्शन होता है, जब ये मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है, तो उसके साथ जो है आपका क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म होता है, या जो है आप इसको ये बोल सकते हैं कि ये जो है सिंपल कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ब्राइन, माने सोडियम क्लोराइड पे जब जो है आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, जो आपका कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन है जो NaCl का जो परसेंटेज है वो नियर अबाउट 20% के अप्रोक्स में होता है, तो द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो सिंपल सा अगर ये आपको नहीं याद होता है तो ये भी अगर लिख देते हैं तो आपको जो है मार्क्स मिलता। तो आप ये बोलेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ब्राइन मीन्स कॉमन सॉल्ट द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो देखिए सबसे पहले हमने दिया सोडियम क्लोराइड जिसको आप बोल रहे हो NaCl, और ये जब वाटर से रिएक्ट किया, इलेक्ट्रोलिसिस मींस क्या होता है आप जानते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए, तो जैसे ही आप NaCl और वाटर के बीच इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH, जिसको आप कास्टिक सोडा बोल रहे हो, और ये क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलता है। तो ये चीजें, ये रिएक्शन आप याद रखेंगे, और ये इसका किस तरीके से प्रिपरेशन है वो याद रखेंगे। अब देखिए इसका यूजेज क्या है। तो जो आपका इसका यूज है, इट इज यूज्ड टू मेक सॉप एंड डिटर्जेंट। इसका यूज जो है साबुन और डिटर्जेंट में करने में किया जाता है। फिर देखिए इट यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चर। पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी ये आपका जो है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इट इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल रिफाइनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। अब देखिए इट इज यूज्ड इन PVC मैन्युफैक्चर। जो आपके पाइप वगैरह, PVC मीन्स पॉली विनाइल क्लोराइड, जब पाइप वगैरह बनाया जाता है तो वहां भी इसका यूज किया जाता है। और आल्सो यूज्ड इन पेस्टिसाइड मीन्स जो है कीड़े मकोड़े मारने वाले जो आपके दवाई है उनके भी, उनको भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, और ज्यादा जो है बोर्ड एग्जाम में यही सोडियम हाइड्रोक्साइड ही पूछता है। ठीक है, कि हाउ टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा। ठीक है, तो ये जो है आप इसको अच्छे से देख लेंगे, और जो आपका आल्सो यूज्ड इन
तो ये जो है जैसे मैंने बोला इट इज आल्सो यूज्ड इन पेस्टिसाइड। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।